दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 5:30 बजे आपके बीच लाइव होंगे, और जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है आजकल UK SSSC से रिलेटेड, जब से वीडियो और VPDO के रिजल्ट जब से जारी हुए हैं, तो क्या कुछ इसमें मामला है जो सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की जो बातें चल रही है, कितनी उस पर सच्चाई है, कितनी उस पर सच्चाई नहीं है, इस तमाम बातों पर आज हम लोग तर्कपूर्ण चर्चाएं करेंगे। क्योंकि चर्चा करनी बहुत जरूरी भी है ताकि एक निष्कर्ष पर हम लोग निकाल सके इन सब चीजों पर, कि आखिर मार्केट में जो सब चीजें चल रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है, ग्राउंड में उसकी कितनी हकीकत है। तो हमारे साथ एस राजू जी हैं जो अध्यक्ष हैं UK SSSC के। इसके साथ साथ बेरोजगार संघ से हमारे साथ बॉबी पंवार जी जुड़े हुए। बॉबी भाई बहुत स्वागत है आपका, और एस राजू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले बहुत बहुत सबसे धन्यवाद पहले भैया। सबसे पहले मैं बॉबी पंवार आपके पास आऊंगा। आपने अभी रैली भी निकाली थी, सीमावास कूच भी किया था, और तमाम प्रकार के सवाल भी खड़े किए थे UK SSSC पर। तो आज हमारे साथ एस राजू जी भी मौजूद है, तो क्या कुछ आपके सवाल है? क्योंकि ये डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच सच्चाई जा पाए, और ग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन है सच्चाई का अवगत, एक हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी रहे। तो बॉबी भाई, क्यों आपको ऐसा लगा जो आपने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पे कूच किया था, उसमें तीन सूत्रीय मांग थी आपकी, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि जो स्नातक परीक्षा, जो पहला आपने जो आपने मांग रखी थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तो आपको ऐसा क्यों लगा है कि जो अभी वीडियो और वीपीडियो का जो एग्जाम आए, उसकी सीबीआई जांच करानी बहुत जरूरी है? देखिए विजय भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, प्रवचन का डिजिटल का धन्यवाद कि आपने इस अहम मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाया। और यहाँ पर हमारे माननीय अध्यक्ष UK SSSC एस राजू जी, मेरा आपको भी प्रणाम। और बहुत खुशी हुई कि आप बिल्कुल चैनल के माध्यम से आप युवाओं तक आज रूबरू होने के लिए यहाँ पर आए हैं कि युवाओं तक अपनी बात पहुंचाए। हमें भी अच्छा लगा कि कम से कम जो युवाओं के मन में सवाल है, जो युवा हमसे कहते हैं, वो हम आपके सम्मुख रख सके। तो जो जहां तक जो तीन सूत्रीय मांगों की बात है, और जहां तक इस परीक्षा की बात है, जो स्थानीय स्तरीय परीक्षा है, इसमें कहीं ना कहीं हमें जो है, हमें क्या पूरे प्रदेश भर में इस परीक्षा का जो रिजल्ट निकलने के बाद से जो माहौल बना है, और माहौल इसलिए बना है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले तो एक नॉर्मलाइजेशन वाला जो पद्धति है वो अपनाई गई। इसमें ऐसा हो रखा है कि एक ही शिफ्ट में कई बच्चों के नंबर 5 नंबर बढ़े हैं, किसी के 10 से 15 नंबर भी बढ़ रखे हैं। यहाँ पर मैं आयोग के अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन पद्धति है, इसमें मैं कहना चाहूंगा आपसे कि स्नातक स्तरीय परीक्षा जो क्वालिफाई वाले नंबर है वो तो आपने सार्वजनिक कर दिए हैं, परंतु लेकिन जो ये नंबर है, जो घटे बढ़े हैं, उसको आप सार्वजनिक कर रहे हैं कि कितने किसके बढ़े हैं, किसने किसके घटे हैं। इस पे भी बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं, बेरोजगार आरोप लगा रहे हैं, वो नंबर सबके सामने सार्वजनिक होने चाहिए। भाई किसके नंबर कितने बढ़े हैं, किसके घटे हैं, ये होने चाहिए। आप वो OTP के माध्यम से शो कर रहे हैं, पर OTP जिसका है वो वही इसको OTP डालकर शो कर सकते हैं। एक एक यहाँ पर करके जवाब सुनने लें, मारा कि दस से दस जी एक एक करके जवाब जी लेते जी हैं जी ताकि हम सिक्वल वाइज हम चल पाए। सर, पहला इन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो सार्वजनिक किए नॉर्मलाइजेशन जाएंगे वाली। बच्चों के नंबर बढ़े हैं और घटे हैं। सर, ये तो सबको इंडिविजुअली भेजा गया है, लेकिन अगर वास्तव में चाहे तो पब्लिश करने में मेरा बिल्कुल कोई आपत्ति है। अब अगले हफ्ते में पब्लिश, अगर सबको सार्वजनिक दिखना दे, पब्लिश करेंगे, दिक्कत नहीं है मुझे। और 10 बड़ा नहीं है, टॉप लेवल में 6 6 बड़ा था, और जहाँ कटा हुआ था वहाँ लगभग 4 बड़ा था। लोग अगर गलत अपने राव मार के गलत कैलकुलेट करें वो बात दूसरी। सर मैं आपके सामने ऐसे वो लेके आऊंगा कि जिसमें कई 9 से 10 नंबर 11 नंबर तक बढ़े हुए हैं, ऐसे भी हम आपके सामने कैंडिडेट लाएंगे। अगर कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि ये नंबर पब्लिश पब्लिश होने चाहिए, बिल्कुल इससे पारदर्शिता पब्लिश कर बनी रहे हैं, देख रहेगी, लीजिए आप, पारदर्शिता बनी रहेगी, सबसे बड़ी बात ये है। पूरा पब्लिश कर देगा, आप देख के फिर मेरे पास ले बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल सर पब्लिश होना चाहिए। दूसरा आप कह रहे हैं विशेषज्ञ, जो आयोग के विशेषज्ञ हैं,
हम तो सीधे आरोप लगा रहे हैं इसमें कि विशेषज्ञ की आड़ में क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि कई सर प्रश्न ऐसे हैं जो सही प्रश्न थे उनको हटा दिया गया है, जो गलत प्रश्न थे उनको सही उनका उत्तर मतलब घुमा फिरा कर दूसरा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बात खड़ी हो रही है। और ऐसे प्रश्न में आपको ऐसे कई प्रश्न ला दूंगा कि कौन से प्रश्न कब कहाँ पे डिलीट किए गए हैं। सर एक प्रश्न आता है जो 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरावाओं को कहते हैं। सर इसमें आयोग, इसमें बकरवाल, पालसी और पाथच ये उपयुक्त सभी भी दिया हुआ है इसमें आंसर। जबकि जो हमारी बुक्स हैं उसमें ये विंसर में जो है इसमें सारे जो उत्तर हैं वो सही है, बकरवाल भी कहते हैं, पाथच भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं। परंतु आयोग ने क्या है जो पहले सही माना था उसके बाद अब क्या है अंतिम उत्तर कुंजी में क्या है, इस प्रश्न को बी और सी दोनों को सही माना है, लेकिन इसमें जो उपयुक्त सभी होना चाहिए था जिसका साक्ष्य निर्भर विंसर पर मिलता है। सर ये विंसर वाला जो हमारे पास है ये इस पे इसका उत्तर मिलता है। सर इस पे क्या कहेंगे सर आप, ये उत्तर है इसका? देखिए जहां तक उत्तर है विशेषज्ञ का जो ओपिनियन है उसके बारे में बहुत विस्तृत बात करना इस तरह का एक मीटिंग में उचित, ये रामायण शुरू हो जाएगा तो चलेगा दस घंटे कि कौन कौन क्वेश्चन में क्या कर सकता। पर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी कुछ आप कह रहे विंसर ने ले लिया है, पर मैं कहूंगा इस किताब से लिया गया था इसका। पर वो फिर आप पूछेंगे कौन सा किताब में लिया गया था, कौन है वो विशेषज्ञ है, ये सब आप नहीं बताएंगे ना किसी को। हम बताते हैं कि हम कौन सी क्वेश्चन हल कर पाए इसका, हम तो ऑथेंटिक जो आप एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है आप ही लोगों को पढ़ाई करते हैं, आप ही प्रोफेसर आप ही लेक्चरर है, ऐसा नहीं हम लोग बाहर चंद्रमा से बुलाते हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू विवाद तो बहुत चलता है ना, लेकिन जब आप बताएंगे ना बहुत सारा केस ऐसा मिलेगा जहां मान लीजिए एक ही क्वेश्चन को 50 लोग अगर चैलेंज किए हैं, सब लोग एक एक नहीं करते हैं, 10 आदमी कहता है ये सही है, 10 आदमी कहता है बी सही है, 10 आदमी कहता है सी सही है। ऐसा नहीं कि इवन बच्चे का आपस में सब लोग कहते हैं एक ही सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं। नंबर टू, नंबर तीन, एक सबसे बड़ा एक जवाब आप ये मुझे सुन लीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं कि गलत है गलत है गलत है, मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा जहां हाईकोर्ट ने या किसी कोर्ट ने कह दिया है कि कमीशन का जो एक्सपर्ट को ओपिनियन है ना गलत, एक बताए मुझे मतलब क्या है। बहुत सारा हम चल तो करते हैं, हम लोग 3 अभी तक डिलीट करते हैं, 10,000 क्वेश्चन बनाए हैं, लगभग 300 डिलीट किए हैं, एक भी क्वेश्चन में अभी तक किसी कोर्ट ने कहा नहीं कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन गलत है। नहीं, गलत तो ठहराया जाएगा सर यहाँ पर, क्योंकि हर हर प्रश्न पत्र में डिलीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप कहते रहेंगे, हम मैं कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी को मानते हैं, आप तो कहते रहेंगे आप एनसीईआरटी को मानते हैं सर, एनसीईआरटी पूरे देश में वैलिड है ना, एनसीईआरटी का वो तो सर सर इसमें बॉबी भाई मैं सवाल रख लेता हूँ सर, जिनका कहने का मतलब यह है कि कई कोचिंग सेंटर हैं ऐसे, कई किताबें ऐसे जिसमें अलग अलग सवाल का अलग अलग आंसर है, कोचिंग सेंटर भी उस हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा कौन सा आंसर सही लिख के आया तो उसके लिए कंफ्यूज की बात है ना, क्योंकि आप उसका जिस किताब से उसने पढ़ा होगा उसने सही टिक मार के आया होगा, और अगर यूके ट्रिपल एस उसको गलत कर देता है तो उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, तो बच्चा कौन सी किताब वगैरह पढ़े उस किताब को सही में। प्रॉब्लम तो यही है, हर कोचिंग सेंटर जो है अपने अपने हिसाब से जो बताता है, इसलिए कि इवन जो जाने माने किताब है जैसे विंसर को बात कर रहे हैं, और भी दो किताब बहुत प्रसिद्ध है उसमें भी गलत निकल क्या निकल रही है। प्रॉब्लम ये कि हमारा कोचिंग सेंटर सब हर कोचिंग सेंटर अलग अलग से अपने हिसाब से पढ़ाता है, उसका सॉल्यूशन एक्सपर्ट हम जो जिसको बुलाते हैं वो इनका टीचर है, वो सभी रिसर्च करते हैं बिकॉज सभी बच्चे बताते हैं ये सही है गलत है, पूरा छानबीन करते हैं, इसका बाद जो सही है वो निकालते हैं। और इन्होंने कहा तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, अभी तक एक भी केस में किसी कोर्ट ने कहा नहीं है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन गलत है, इसको फिर दो एक भी अभी तक पता नहीं कितना कोर्ट क्या एक पक्ष को सुन के अपना डिसीजन दे दे उसमें क्या, जब दूसरे पक्ष ने अपनी बात ही नहीं रखी होगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप एनसीईआरटी को मानते हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए।
आप बिनसर छोड़िए, आप परीक्षा पानी छोड़िए, आप एनसीईआरटी को नॉट नेसेसरी कभी हमने एक भी देखा है कि एनसीईआरटी की इंग्लिश में एक है, हिंदी में दूसरा है, पर ऑन द होल में एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी में हमेशा भी इंग्लिश में दूसरा है। अगर एनसीईआरटी को मानते हैं, यदि एनसीईआरटी को मानते हैं तो ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें एक क्वेश्चन आया था आपके, ये इसमें आया था कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, दृष्टव्य दृष्टव्य, ये दोनों ही शब्द सही थे। मतलब आपने इसमें क्या है, दृष्टव्य जो फर्स्ट में दिया गया था आपने वो उत्तर नहीं मान के दूसरा वाला उत्तर माना था, परंतु इसमें फर्स्ट वाला जो उत्तर था वो डॉक्टर हरदेव बहरी, ये एनसीईआरटी की बुक है सर, कक्षा 10 की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ये दिया गया है दृष्टव्य का मतलब है दिखाई देने योग्य, और ये भी सही था, ये एनसीईआरटी में है। एक दूसरी बुक है वो भी कक्षा 10 की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें भी दृष्टव्य दिखाई गया है। इन पर ये गंभीर विषय है और इस पर बात होनी चाहिए कि एनसीईआरटी को आपने गलत करार दिया है, सबसे बड़ी बात है। मैं पूछूंगा सर दूसरा जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये एक प्रश्न आया था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली क्या है, जिसमें आयोग के ऑप्शन थे यमुना गंगा रामगंगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप देख लीजिए एनसीईआरटी का स्रोत हमने लगाया यहाँ पे, उत्तराखंड की जो लोकल किताबें हैं उसमें गंगा का जो है आपके देवप्रयाग से लेकर जो अंत तक है उसमें 90 किलोमीटर माना गया है, परंतु उसके बाद जो एनसीईआरटी का स्रोत है उसमें 110 गंगा को दिखाया गया है। बावजूद इसके आपने अगर उपयुक्त में से कोई नहीं जो ये लास्ट ऑप्शन दिया था, अगर वो नहीं होता तो इसमें हम गंगा को मान सकते थे, अगर काली नदी ऑप्शन ना होता और गंगा होती, परंतु इसमें ना काली नदी ऑप्शन है, काली नदी 252 किलोमीटर का प्रवाह है उत्तराखंड में, तो ये एनसीईआरटी का स्रोत है सर, ये हम एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं, इसको तो देखना पड़ेगा ना, कई हजारों बच्चे जी, चलिए अब जवाब सुन लेते हैं बॉबी भाई, पहले बता दिया हजारों बच्चे, हजारों बच्चे इन क्वेश्चनों से अंदर बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने बच्चे इसके खिलाफ लिखे होंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दिया है, जब ऑब्जेक्शन करते हैं ऐसा नहीं हर बच्चे जो आप कहते हैं वो कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं दूसरा भी कहता है साहब ये सही नहीं ये सही है, और कुछ बच्चे ये बिल्कुल सही है जो आपने आंसर बताया, ऐसा भी बताते हैं। तो अगर इसको हम शुरू कर देंगे तो रामायण हो जाएगा, दिन भर इसमें बात करते रहेंगे। सर आपको स्पष्ट करना पड़ेगा ना, कुछ बच्चे परीक्षा वाणी को वो मान रहे हैं, कुछ बच्चे विंसर को मानेंगे, परंतु जो वैलिड है जो एनसीईआरटी है जो बच्चे उस चीज को मान रहे हैं आपको उनका सही मानना पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है, इसमें आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी को यथासंभव एनसीईआरटी को मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी एक दो जगह में इंग्लिश वर्षन और हिंदी वर्षन के बीच में देखा है, और कुछ कुछ विषय से कभी कहता है कि एनसीईआरटी में भी इन दो गलतियां मिलती है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में सब कुछ सही है, लेकिन एनसीईआरटी में 99% सही है ये माना जाता है। तो एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि आपने कई जो सही गलत सही प्रश्न थे उनको गलत कराए, और जो डिलीट करने योग्य प्रश्न थे उनको आपने डिलीट नहीं किया है, और बकायदा जो सही क्वेश्चन थे उनको डिलीट किया है, ये समस्या ये उत्पन्न हो रखी है। सवाल पूछ लेता हूँ सर, का कहने का मतलब है कि बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं ग्लिच है जो एनसीईआरटी और जो अगेरा जो अदर बुक्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये ग्लिच बीच में, तो ये ग्लिच दूर कैसे किया जाएगा सर? किसी भी कमीशन में कभी बताते नहीं है कि हम कौन सी किताब को मानते हैं, मानते नहीं है इसलिए कि वो इवन यूपीएससी में आपने कभी सुना है वो कहते हैं कि फला फला किताब पढ़ो, कभी बताते नहीं इसका, वो अभी प्रथा है ही नहीं, तो एक्सपर्ट जो बताते हैं उसको हम सही मानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि एक्सपर्ट की बात सही है, इवन सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट की बात ऊपर नहीं जाता, बताकर एक्सपर्ट ने कह दिया, दैट इज वाई मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछा था, इवन टुडे किसी भी कोर्ट से अभी तक लिख के पिछले 5 साल में लिख आया नहीं है कि फलना फलना कुछ आप एक्सपर्ट ओपिनियन गलत है, उस तो कारण होगा, अगर अगर हम 300 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद भी एक भी कमेंट आया नहीं कि आप क्वेश्चन आपने गलत डिलीट किया है, भले हम आपस में लड़ेंगे, बच्चे भी आपस में कहते हैं, एक बच्चा कहेगा
सवाल ये भी खड़ा होता है सर, क्योंकि जो जो एग्जाम बनाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक्सपर्ट होते हैं, उसके बाद डिलीट ऐसी नौबत क्यों आती है कि डिलीट करने पड़ जाते हैं क्वेश्चन। हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि यूपीएससी के भी एक्सपर्ट होते हैं, उनको वहाँ पे सवाल खड़े क्यों नहीं थे? वहाँ पे आपने इतनी मात्रा में क्वेश्चन डिलीट होते हुए देखे हैं? आप देख रहे ना, यहाँ तो झड़ी लगी हुई है। ऐसी आप परीक्षा बता दीजिए जिसमें आप क्वेश्चन डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे विशेषज्ञ हैं? क्या जब प्रश्न पत्र बनता है तो विशेषज्ञों की निगरानी में नहीं बनता है? क्या उनके मार्गदर्शन में नहीं बनता है? ये आप बाद में आप डिलीट करके नहीं सर, ये तो होना चाहिए ना, ये तो बाद में डिलीट करने पर हर परीक्षा में आप बंद दरोगा का देखिए। चलिए चलिए जी, बाद में आ जाएंगे, पहले ही मैं आपको बता दूंगा। पूरा पूरा दुनिया में, गोभी भाई सुन लीजिए, पूरा भारत में, पूरा भारत में 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डिलीट है, इंटरनेशनल लॉ है। हर परीक्षा में क्वेश्चन डिलीट होते हैं। एक बार कोर्ट ने हमसे पूछा भी है, हम कोर्ट को हमने छाट दिया है। मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि पूरी भारत में एवरेज आता है कि 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डिलीट किया जाता है, लेकिन केवल 3 ही डिलीट करता है अभी तक। अपना हमारा स्टैंडर्ड तो बेटर देन नेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन आप लोग यहाँ के देख रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, आप ये बात कर रहे हैं कि 3% या 5% डिलीट करते हैं। आप बंदरोगा की बात कर लीजिए, 1800 में से 332 क्वेश्चन डिलीट किए, तो कितने परसेंट बैठा ये? आप ये भी बात करिए ना। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, विजय भाई एक बात जी सर, हम कह रहे हैं कि बंदरोगा में 332 क्वेश्चन क्यों डिलीट हो गए, जब आप कहते हैं कि 3-4% बंदरोगा में सिचुएशन डिफरेंट है। इस तरह का नहीं है कि साहब यही किताब लेगा वो किताब लगे, ये किताब ऐसा नहीं है। बंदरोगा बात सिंपल है, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, वो जो जिस एजेंसी ने आपको रखे हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करा, वो भी देख रहा हूँ, गलत तो है तो गलत 325 गलत तो रिलीज किया उसका, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया क्या करें? नहीं ठीक है विजय भाई, अध्यक्ष साहब ने मान लिया कि गलत है। 332 अधिकृत हो गया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या निकालना है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं। क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? दोबारा एग्जाम कराएंगे। सोल्यूशन क्या निकालोगे आप सर? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सोल्यूशन आप क्या निकालोगे? ये बंदरोगा के पेपर होने से पहले मैंने आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि जी ये एजेंसी है जो NCERT है, ये मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, और आपके सामने 22 पेज का वहां पर जारी लेटर है जिसमें इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। आपने उस समय नहीं माना है, आपने कहा कि ठीक एजेंसी है, आपने उल्टा हमारे खिलाफ क्या है विधिक नोटिस जारी किया। क्या आप आज परिणाम देख रहे हैं उस एजेंसी का? उस एजेंसी ने सहायक लेखाकार की परीक्षा करवाई है, हमने सहायक लेखाकार की परीक्षा शुरू होने से पहले आपको लेटर दिया कि एजेंसी सही नहीं है, आप इस एजेंसी से उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। परंतु सहायक लेखाकार के बाद आप देख रहे होंगे कि कितने खिलवाड़ हुआ है बच्चों के साथ। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसी बंदरोगा की मैं बात करना चाहूंगा, कुछ प्रश्न है जो कि आपने एक प्रश्न है जवाब वो भी भाई एक सवाल का पहले जवाब नहीं बंद एनसीईआरटी वाले पहले प्रश्न जवाब लेते हैं, एनसीईआरटी वाले पहले जवाब लेते हैं सर। बॉबी पवार जी का कहना है कि पहले जो एनसीईआरटी है वो ब्लैक लिस्टेड संस्था है जो एग्जाम वगैरह करवाती है, जब पहले ही आपको बता दिया था तो उसके बाद दोबारा वो आपने उसका चेक नहीं कराया कि वो ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है सर? पहले मुझे बताया गया कि वो ब्लैक लिस्टेड है, फिर ये बाबी पवार कोर्ट में गए थे, कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट ने इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, कोर्ट में यही कहकर कहते हैं कि एनएससीडी ब्लैक लिस्टेड है, और कोर्ट ने कहा तुम गलत बोल रहे हो। कोर्ट ने गलत इसलिए बोला कि हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अल्टीमेट डिसाइड कौन करेगा? आप जब किसी को आप कहते हैं ब्लैक लिस्टेड है, कोर्ट ने कह दिया कि आप गलत बोल रहे हो, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, कोर्ट बोल रहा हूँ। कोर्ट ने क्या कहा था इनका क्लेम्स? ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ठीक है सर मैं बता देता हूँ, मैं कोर्ट वाला जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि हमने जब आयोग में लेटर दिया कि एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, तो इन्होंने हमारे खिलाफ विधिक नोटिस जारी किया और एग्जाम की डेट जारी कर दी।
आनन फानन में जब कोर्ट की दौड़ लगानी पड़ी अभ्यर्थियों को, तो दो दिन में क्या है, बेरोजगारों के पास इतना संसाधन नहीं है कि एक दो दिन में सब कुछ एकत्रित कर सके, परंतु उसमें हम डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाए, वो एनएससी जो टर्मिनेशन लेटर है वो नहीं लगा पाए, तो हम आपको भेज देते हैं टर्मिनेशन लेटर, हम आयोग में मिलने आना चाहते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, ठोक बजा के कहते हैं कि हाँ ब्लैक लिस्टेड है। और उसी बंदरोगा की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी चल रही थी, कि एक प्रश्न है सर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? बॉबी भाई पहले आपसे भी सवाल लेता हूँ, जब आप कोर्ट में गए होंगे तो क्या आपने पूरी तैयारी के साथ, जब आप इल्जाम लगा रहे हैं किसी पे कि भाई ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो क्या आपने कोर्ट के सामने वो साक्ष्य क्यों नहीं पेश किए पहले कि ये ब्लैक लिस्टेड है ही पूरी कंपनी, जब आप UK SSSC को जब आपने पहले ही सूचित कर दिया था? इस एजेंसी के खिलाफ लखनऊ में गंग नहर थाने में जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी 2017 में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जब ये हवा चलने लगी कि उत्तराखंड में ऐसा कुछ हुआ है, तो वहां पर उन्होंने थानेदार ने हमें वो FIR कॉपी नहीं दी उस दौरान, और हमें हमारे पास समय दो दिन खत्म हुआ, वो नहीं मिल पाई वो चीज हमें उस समय, पर आज हम कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड है और उसका सबूत हमारे पास है, आप लीजिए ना निर्णय, लीजिए ना उसका निर्णय। राजू सिंह से भी सवाल लेते हैं सर, जब इन्होंने आपको बताया था कि ब्लैक लिस्टेड है, तो आपने भी अपने स्तर से उसकी जांच की थी कि ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है? हाँ किया, और उन्होंने कहा कि जो बताया जा रहा है यूपी में हम लोग ब्लैकलिस्ट है, वहाँ वहां समय एग्जाम कर रहे थे, उस समय जिस समय ये बात कहा जा रहा है कि जिस समय ये बाबी पावर कोर्ट में गए थे ब्लैकलिस्ट है उस समय, और वो भी इसको बेस था कि यूपी में कुछ हो गया गड़बड़, और यूपी में उसी पुलिस डिपार्टमेंट में वो एग्जाम एक करा रहे थे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो दूसरे की बात कर रहे हैं, अभी अभी टर्मिनेटेड है, ये तो दिसंबर की बात है, इन्होंने पहले किया है, ये बात जो कोर्ट में गए थे हरे थे जुलाई में, अब दिसंबर में आके वो टर्मिनेट हुआ, वो भी अभी टर्मिनेट हुआ है, किस कारण से टर्मिनेट हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ गड़बड़ मिला है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ प्रोसीजर गलत अपनाया, तो ये नहीं लिखा है कि इन्होंने कुछ भी आउट कर दिया, इनके वजह से गलत हो गया, वो कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने कोई प्रोसीजर जो फॉलो करना था कंप्यूटर डाउनलोड अपलोड करने में वो गलत कर दिया है, इसलिए उनको फिलहाल उन्होंने टर्मिनेट किया है। लेकिन ब्लैकलिस्ट दूसरा है, ब्लैकलिस्ट का मतलब ये कहना है कि पूरा दुनिया में किसी और को काम नहीं करोगे, ब्लैकलिस्ट दूसरा, टर्मिनेशन दूसरा। सर मैं आपको बताना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर छेड़छाड़ हुई है, जब प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं उन्होंने ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो करवाते हैं, तो उनको टर्मिनेशन किया गया वहां पर, सीधी सी बात है। पर जब हमने आपको ये बता दिया था कि ये एजेंसी ऐसी है कि इनके साथ ऐसी घटना हो सकती है, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश MP तमिलनाडु में भी इनके साथ ये घटना हुई है, तो आप उसी को क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं? यहाँ पर समस्या ये है, आपकी प्रॉब्लम यह है कि बिना प्रूफ आप बोलते रहते हो, कोर्ट में बताइए ये सब अभी बोलते हो, कोर्ट में कहां क्यों नहीं अपने कोर्ट में से बोल रहे कि हां दिसंबर में क्या हुआ, टर्मिनेट कर दिया गया है, अब भी क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ ना, डॉक्टर सवाल नहीं है, टर्मिनेट हुआ है, बताए मुझे। अगर आपकी एजेंसी इतनी अच्छी है, ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ सर, मैं सवाल पूछ लेता हूँ सर, किनका कहने का मतलब यह है कि भाई जब NECIT ब्लैक लिस्टेड संस्था है, तो किसी और संस्था से आपने क्यों नहीं कराया एग्जाम, और भी संस्थाएं तो होंगी जो एग्जाम वगैरह करा सके, आपने टेंडर फ्लोट किया है, टेंडर फ्लोट करने में अल्टीमेटली पहले 12 पार्टी आई थी, 6 पार्टी आई थी, शॉर्टलिस्ट किया, 6 पार्टी में 2 पार्टी कोर्ट गया, NACT और TCS, और TCS का रेट अधिक था, तो हमने खोला नहीं है इसका, तो NACT सबसे कम रेट में था, तो हमने टेंडर ओपन टेंडर में गए, ऐसा नहीं है कि हमने NACT सीधा बोला लिया। वैसे अभी भी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं पूरा उनके खबर ले रहा है कि भाई जो तुम्हारा टर्मिनेट हुआ है कैसा हुआ है, क्या कारण है, जहां तक ऑर्डर है उसमें केवल इतना लिखा है, ऐसा कोई हम ये नहीं बता रहे, व्यापम बोर्ड कहता है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी वजह से कुछ भी लीक आउट हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोसीजर से जो प्रोसीजर बड़ा पालन नहीं किया है, उसके वजह से वो टर्मिनेट किया, नहीं तो ब्लैकलिस्ट कर देते हो, अभी तक उन्होंने ब्लैकलिस्ट नहीं किया, इसलिए कि अभी भी वहां पुलिस जांच चल रही है, ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कौन कारण है, अब ऑर्डर पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है, अब इसे नहीं कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर लीक किया उसने, NACT और
लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो आरोप यार आप लगा रहे हैं तो समझ सोच के लगा करो, कहना बहुत आसान है कि 15 लाख ले लिया है। अगर मध्य प्रदेश का व्यापम जांच कर रहा है, मध्य प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, अगर मध्य प्रदेश का व्यापम जांच कर रहा है, मध्य प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है, तो यहाँ पर बताने के बावजूद आपने उसकी जांच करना उचित नहीं समझा। इतने बच्चों के साथ वो खिलवाड़ होने दी और वो परिणाम सबके सामने है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आज हर बच्चा बोल रहा है कि गलत हुआ है। पर मैं उस बंद दरोगा की बात करूंगा, कोर्ट में जाओ, ये आपका तो सही ऑर्डर है। बड़ोनी साहब कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में इतना पैसा बेरोजगार कौन लगाएगा बताओ? एक एक डेढ़ लाख रुपए तो वकीलों की फीस है। इसी एनएससीआईटी की बात करूंगा, एक क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ है, इसका उत्तर गुड़गांव था। ये बंद दरोगा की बात कर रहा हूँ सर मैं, ये 98 क्वेश्चन और पाली द्वितीय पाली का क्वेश्चन है 23 जुलाई का, इसमें इसको डिलीट कर दिया गया। और यही क्वेश्चन उसी वन दरोगा में 19 जुलाई के द्वितीय पाली में था, वहां पर सही दिया गया। और ऐसे कई क्वेश्चन है जो एक पाली में सही दिए गए, दूसरे पाली में गलत दिए गए, हमारे पास प्रूफ है। और आपने तो सूचना के अधिकार में भी गलत जो दिया कि हमने क्या जो प्रश्न है ऐसा नहीं किया, हमने सही गलत नहीं किया। आपका जवाब देंगे मैं इसका, जहां तक वन दरोगा का प्रश्न है, बंदरों का प्रश्न में मैं आपको साफ साफ कह दिया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है। अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देने के बाद क्या उसको पूरा एग्जाम दोबारा करना है या उसको कोई मेथड करने के लिए? ये बच्चे मुझे लिख के दे रखे हैं कि साहब इसमें आपने एक शूट में एक क्वेश्चन था, दूसरे में नहीं है, उसका हम दिखवा रहे हैं, इसलिए देर हो रहा, नहीं तो पहले मैं इसको डिस्पोज करके होता। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया जो सही है, बिल्कुल सर इस पे जांच करना जरूरी है, क्योंकि इस पर एक ही प्रश्न को अलग अलग शिफ्टों में सही और गलत दिया गया है। अभी हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आपने कुछ अभी कल को जो सीमावास कूच भी किया था और 3 सूत्रीय मांग भी रखी थी, सवाल ये था कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें घपला हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन डिलीट हो गए तो घपला नहीं होता है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि घपला हुआ है? यूपी SSSC जो आयोग है उसने धांधली इसमें करी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्वेश्चन डिलीट करना तो धांधली नहीं होता है? नहीं, धांधली करी है, एक क्वेश्चन डिलीट करना धांधली नहीं होता है। विजय भाई मैं एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा। एक प्रश्न आया था, योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी? अब आप बता दीजिए, जो जिस कंपनी को दी गई थी वो कंपनी अपने उसमें डाल रही कि हमने शुरू की थी, पर आयोग उसे गलत ठहरा रहा है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसमें वो इनकी साइड में वो दे रहा है कि हमने करी थी ये सेवा शुरू, परंतु आयोग ने उसे गलत दिया है। आप बता दीजिए, जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा, जिस बच्चे का ये प्रश्न सही होगा, उसमें तो आप अन्याय हुआ ना। और सर एक प्रश्न और है, बछेंद्री पाल वाला जो प्रश्न था वो आपने इससे पहले 1.5 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सही उसको दिया है, एक्सपर्ट आपके एक ही है ना, तो उन एक्सपर्टों ने उस समय उस प्रश्न को सही दिया और अभी जाके इसको गलत दे दिया, तो ये गलत है। ये सवाल आप जियोग्राफी का जवाब लेते हैं, वर्तमान में जो आरोप लगा रहे हैं कि 15 लाख लिया गया है, बीमारी चली थी, वो तो कह रहे हैं इनकी आदत ही, वो बाबी जी की आदत ही यही है कि ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बवाल बोल देते हैं, प्रूफ नहीं रहता है। इस बारे में बात कर लीजिए, इस बारे में बात कर लीजिए, मैं तैयार हूँ इस बारे में बात करने के लिए, आप इस बारे में बात कर लीजिए, छोड़िए पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं। सर उन्होंने कहा था कि जो बिछेंद्री पाल वाला जो सवाल था, आप जब UK SSSC नहीं वो एग्जाम करवाया था वहां पर उसका जो जवाब था वो सही माना है, लेकिन जो आपके एग्जाम में वो गलत माना है, ऐसा क्यों हुआ? इसको ऐसे मैंने कहा, सवाल के अंदर हम घुस जाएंगे तो वो तो दिन भर चलता रहेगा इसका, लेकिन इसमें अगर हम जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई कैन से दैट ये बिछेंद्री पाल का जो उनका बायोग्राफी है वही डेट को हम लोग सही माने हैं, जैसे हम गिविंग एग्जांपल, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। अगर जाना शुरू करूंगा तो आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है। अगर कमीशन के एक्सपर्ट गलत है तो ये कैसा है कि अभी तक एक भी कोर्ट ने कहा नहीं कि तुमने गलत दिया है, अभी तक एक भी नहीं हुआ केस, उसका कारण क्या होगा? कुछ तो होगा कमीशन के, अगर कोर्ट कहता है कि यह कमीशन हमेशा बाबी पवार कहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी कहा है कि कमीशन जो है हमेशा गलत जवाब देता है?
कोर्ट कोर्ट तो आप छोड़ ही दीजिए ना, आप एक प्रश्न ऐसा है कि आप वैसे मैं कह रहा कि एक प्रश्न पत्र में सही दे रहे हैं फिर दूसरे प्रश्न पत्र में उसको गलत दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय है ना, ये दोहरा लोग क्यों सर मापदंड। आप तो कोर्ट में जाके देख लीजिए ना, अब ये आपको बता दिया ना, एग्जांपल वन एग्जांपल बता दिया है, अभी जाकर देख लीजिए। नहीं नहीं सर, कोर्ट ही जाना होता तो एक बार सर सवाल ये तो आप जो करा कहते रहे कि मैं जो करा कहता रहूंगा, जो ये लाल बिल्डिंग अल्टीमेटली फैसला कौन लेगा? करो जब कोर्ट से सारा समाधान करना है, जब कोर्ट से ही सारा समाधान करना, तो इसे बंद करो। वहां पर क्यों मोटी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, क्यों इतने सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब लेते हैं सर। अगर हर 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 भर्ती का हर प्रश्न का हर समाधान यदि कोर्ट में, तो कोई इसे बंद करिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बंद करिए, जब कोर्ट में ही जाना है। समाधान कोर्ट में नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मेरे उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, पहले मुझसे तो पूछ लीजिएगा। अभी कल गए थे आप लोगों के पास, कभी मेरे पास आए थे आप लोग? आप लोग इतना आंदोलन आरोप लगा रहे हैं, कभी मेरे पास आए थे आप लोग? आए नहीं ना। आप बड़ोनी साहब को बाहर बैठे आरोप लगा रहे हैं, वो मिलने का समय देते हैं? ये मेरे पास कब आए क्या? कभी मुझसे पूछा आपने? अगर बड़ोनी नहीं मिलता था बताऊंगा। इसको इसको लेकर कई छात्र आपके पास आए हैं, ये मैं कहता हूँ, और हमारे मित्र हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे साथ के छात्रों कई बार आपके सामने आए भाई। छात्र को छोड़िए, आप या राम कंडवाल मेरे सामने आए थे कोई? आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सामने आऊंगा कल आपके सामने आऊंगा ये सब लेके, बस आप कल आने की जरूरत नहीं होता। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने मेरे पर आए भी नहीं है, और आप जब तक आप अनर्गल आरोप लगाएंगे उसको साबित नहीं करेंगे, आप जब मेरे पास आएंगे प्रूफ के साथ आ जाएगा कि किसने 15 आग लगाया, किसने कौन कौन गड़बड़ा था, प्रूफ के साथ आएगा। सर एक गलत हो गया, मैं आपके सामने कुछ लिस्ट रखूंगा, मैं आपके सामने कुछ लिस्ट रखूंगा, हम 15 लाख या 20 लाख 10 लाख गोपनी नहीं है, गोपनी नहीं है, अभी ओपनली दिखा दीजिएगा इसका, मैं तैयार हूँ, मैं चैलेंज लेने के तैयार हूँ, ओपनली दिखा दीजिएगा, ओपनली इस फोरम में दिखा दीजिएगा, सबको दिखा दीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं। आप जांच करोगे, जांच की मांग करोगे सर? वो तो मैं करूंगा, मैं तो हमेशा करूंगा। हम कुछ ऐसे नाम देंगे जो प्रॉपर्टी डीलिंग करके आज सिलेक्टेड हुए हैं, हम कुछ ऐसे नाम देंगे जो ठेकेदारी करके सिलेक्टेड हुए हैं, हम कुछ अभी ऐसे नाम देंगे भाई, जो मेरा सवाल आपसे पार्टियों के जिला सवाल आपसे सिलेक्टेड हुए भाई जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम देंगे, आपने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, क्या आपने अभी तक नाम दिया है यूके ट्रिपलएससी को वाले? यारे ना यूके ट्रिपलएससी को क्या नाम देना था, अभी हम मुख्यमंत्री के सामने वो नाम रखते हैं, परंतु यदि राजू सर यदि ये एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आप आइए मिलिए और वो चीजें हमारे सामने रखिए, तो हम प्रोसेस वाइज चलना पड़ेगा ना, देखिए प्रोसेस वाइज चलना पड़ेगा ना, पहले यूके ट्रिपल एस से पहले, क्योंकि अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी आपसे पूछेगी भाई आपने कहां बताया ये सब चीजें, कि आपके यूके ट्रिपल एस सी के संज्ञान में मामला है कि नहीं है, आपके पास प्रूफ होगा तभी तो आप कोर्ट को बताएंगे कि हम पहले उनके समक्ष रख चुके हैं, तभी तो आप इन्हें ब्लेम करेंगे, अभी तक किसी ने मुझे नहीं दिखाया है कि ये इसमें क्या गलती हुई, कहा जा रहा है कि 15 लाख लिया गया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बेमानी हो गई है, लेकिन क्या प्रूफ है, कुछ तो बता दे, प्रूफ कल लेके, बॉबी भाई कह रहे हैं कल प्रूफ जो उनके पास होगा, बिल्कुल कल प्रूफ लेके आपके पास पहुंचेंगे, पर जांच पड़ेगी, ये नहीं है कि आज आप डेट में बोल रहे हो कि हम जांच करेंगे, जांच करने पड़ेगी सर, बहुत बहुत आभार है सर आपका कि आप एक बार जांच करेंगे, इस मौके पे नंबर वन, शुरू से मैंने कभी मना नहीं किया जांच नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सभी जांच के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आप प्रूफ दिखा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है मैं ये कर दिया, आप इस तरह डेंजरस गेम खेल रहे हो, जांच के लिए बात कर रहे हो, ठीक है जी जी, मेरा जो कई आप लोग तो गैर जिम्मेदारी भाषण दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया बेमानी हो गया, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोगों ने मुझे कहा है कि साहब ये ऐसा व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई इसमें, लेकिन कुछ ब्लैक शिप हो सकते हैं आप देख लीजिएगा, मैंने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हैं
मुझसे कोई आज कोई कुछ गोपनीय लोग ना मुझे मिलके गए हैं जो जो सही जो सोचते हैं लोग जो वास्तव में सोचते हैं वो लोग वो आगे कैसा मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसा व्यापक गड़बड़ नहीं हुई है लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं एक दो लोग जो हो सकते हैं जो इसमें जो गलत आए होंगे मैंने कहा ठीक है भाई मैं फोरम में स्वयं बैठ गए मैं देख लूंगा लेकिन किसी भी वजह से मैं इसको डीवी को डिले नहीं करूंगा मैं आपका कारण बताऊंगा क्यों अगर मान लो इसमें हम जांच में बैठ गए हैं अगर हमारे इसमें कोई गलत लोग है उसको हम निकालने के लिए मैं तैयार हूँ उसको जांच करके लेकिन पूरा भर्ती को कैंसिल करना या जांच में बैठा के एक साल बैठना ठीक नहीं है इसलिए आप मान लीजिए आज ग्रेजुएट का जांच बैठा दे सर उनका भी मांग नहीं है सर इनकी मांग नहीं कर रहे सर हम तो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नाम देंगे आप उनके ऊपर जांच बिठाइए अगर आप ऐसा अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो एक सर मैं एक बात और कहूंगा जो 900 लोग हैं ना जो सिलेक्टेड लोग हैं आप उनका पेपर करवा दीजिए एक ही दिन में एक ही जगह पर और उसी समय पेपर बनेगा 100 नंबर का वही नॉर्मल जो पेपर बनता है उसमें से अगर 200-300 लोग ऐसे नहीं हुआ जो 40-50 नंबर पे लटकेंगे तब बताना आप ये जांच करवा दीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देखो मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता रहा हूँ मुझे भी लग रहा है कि इसमें 4-5 लोग हो सकते हैं जिनको जो है थोड़ा बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम में हमेशा कुछ कुछ होता है हम जामा लगा रहे जो भी लगा रहे हैं अगर कॉलेज के प्रिंसिपल मिल जाता तो कुछ गड़बड़ हो जाता है इन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को डीवी डिले नहीं करना चाहिए प्रॉब्लम ये है ना आप महसूस नहीं कर रहे कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो मान लिया आपने ग्रेजुएट को अभी रुकवा दिया मैं सीधा अब बाबू का रिजल्ट निकलने वाला है अभी बाबू का रिजल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट निकलने वाला है एक हफ्ते में अगर मैं उसके में करना शुरू करूंगा ग्रेजुएट का नहीं करूंगा फिर ये ग्रेजुएट जो भी पास हो सब वहां चला जाएंगे ज्वाइन करके जांच की बात कह रहे हैं अगर इस प्रकार से कुछ ऐसा है तो जांच करेंगे उसकी टाइम भी हमारा आप ओके लास्ट सवाल मैं आपसे लेता हूँ सर नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे बड़े परेशान है कहते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है क्यों ना ऐसे भविष्य में कुछ इस तरीके से एग्जाम किया जाए कि एक ही पाली में सारे एग्जाम हो जाए किस प्रकार का कुछ सोचा है यूपी आयोग ने कुछ विचार कर रहे हैं इस पर देखो नंबर 1 में ये कहता था उसको जहां तक मान लिया नॉर्मलाइजेशन है उसके पहले मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ क्योंकि भाभी उसमें है देखो ऐसा है अनर्गल आरोप लगा देंगे तो आपके साथ बच्चे भी हैं सबको मेरे पास बहुत सारा बच्चे के खबर आ गया है कि साहब हमारा मेंटल प्रेशर में है कि हम लोग इतना मेहनत करके पास करने के बाद भी हमको बेमान कहा जा रहा है तो अगर मान लीजिए वो लोग आपके खिलाफ एक्शन लेंगे या किसी खिलाफ एक्शन लेंगे या सिमिलरली आपके साथ बच्चे घूम रहे हैं बेमतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो गंभीर होता है इवन कमीशन कैन ऑल्सो टेक एन एक्शन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ पूरा संभाल के बोलिएगा बहुत बहुत मत बोलिएगा संभाल के बोले जो बोला सच बोलेगा सही बोलिएगा बैलेंस बोलिएगा लेकिन विदाउट बैलेंस मत बोलेगा नंबर 1 बट इट कम्स नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में मेरा एक 153 एक संवाद है उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है जैसे लोग हमेशा कहते हैं साहब आपको कैसा मालूम है क्वेश्चन में ईजी है डिफिकल्ट है वो डेटा बताता है आपको मैं नहीं बताता हूँ मैं नहीं बैठ के डिसाइड नहीं करता हूँ कि ये टफ पेपर है ये इजी पेपर है वो डेटा बताता है आपको जो बच्चे जो भी आते हैं उसका 123 संवाद में पूरा लिख रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या है तो फॉर्मूला क्या है कैसा कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ तक मैं ये भी कर रखा हूँ कि पिछले 6 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है और कितना मार्क में फर्क पड़ा ये सब लिख रखा हूँ तो ये कहना गलत है कि वो किसी को नहीं मालूम है नंबर 1 नंबर 2 हमारे बच्चे जो है हर जगह में एग्जाम लिख रहे हैं RRB एग्जाम लिख रहे हैं NTPC एग्जाम लिख रहे हैं इसका बैक एग्जाम लिख रहे हैं SSC एग्जाम लिख रहे हैं क्या उनको नहीं मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बावजूद मैंने संवाद में पूरा एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है और ये पूरा भारत में कम से कम इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली SSC IIM इवन IIM कैट सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है वहां भी हमारे फॉलोअप बोला कर तो इसे कहना करते अगर मैं चाहता हूँ दोबारा बताऊंगा संवाद नंबर 153 तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है जी अगर चाहते हैं डेटा भी दे सकता हूं बाहर अरे अरे सर इस डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है अभी 15 दिन पहले लोक सेवा आयोग ने 2,58,000 बच्चों का पेपर एक शिफ्ट में करवाया है और सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 23,000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट को
कॉलेज और पीजी कॉलेज वगैरह ये डिग्री कॉलेज है, तो आप तो यहाँ 5,10,000 बच्चों का पेपर, 5 लाख या 10 लाख बच्चों का पेपर करवा सकते हैं, करिए ना आप, क्योंकि लोक सेवा आयोग करवा रहा है 2,58,000 सब समाप्त होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं ये एक सवाल में पेपर हो, हम ये चाहते हैं ये जब खत्म होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं, जब लोक सेवा आयोग इतना एग्जाम करा सकता है, 2,58,000 बच्चों का भी एग्जाम करवाया था, तो यूपी ट्रिपल एससी क्यों नहीं करवा सकता? ये इस मामले में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे एक शिफ्ट में करने के लिए, यहाँ तक संभव करना चाहिए वन शिफ्ट में। कोशिश नहीं सर, यहाँ से प्रार्थना भी है हमारी, ये प्रार्थना भी है। देखिए यूके पीएससी को एग्जाम देना उचित नहीं है, बिकॉज़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम ही कराना है, आप स्कूल पे क्यों बात कर रहे हो? हमारा अल्वानी स्टेडियम में 20,000 लोगों को कुर्सी लगा दो, एग्जाम करा दो। बिल्कुल, आप बनाइए व्यवस्था ऐसी बनाइए, आर्गुमेंट ही करना है तो मैं तो प्रॉब्लम है कि एग्जाम पर एक शिफ्ट में एग्जाम हो, ये नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति है। प्रॉब्लम करना है कि 3 से 4 नंबर बढ़े हैं, इसमें हम ऐसे आपके पास लेके आएंगे जिनके 9 से 10 नंबर भी बढ़े हैं, हम लेके आएंगे। हम निराधार बात नहीं कर रहे हैं, हम आधार की बात कर रहे हैं, हम सबूतों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ले आएंगे। चलिए सर, टाइम भी पूरा हो गया, सर टाइम भी पूरा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है लगभग लगभग सारी बातें आई गई होंगी जो कई लोगों को कंफ्यूजन था कि मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था इसका, कि हम जब हम एग्जाम करते हैं हम इतना केयरफुली करते हैं कि सेंटर को चुनते हैं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में एक भी एग्जाम हमारा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यूपी में देख लीजिए 17 लीक हुआ पेपर, यूपी देखा आपने 17 लीक हुआ है, लेकिन हमारा एक भी पिछले 7 साल में लीक नहीं हुआ। उसका कारण यही है, हम लोग बहुत केयरफुली चुनते हैं सेंटर को, एग्जाम कराना तो किसी जगह में करते हैं। अरे पेपर ही लीक हुआ है, हम लेके आएंगे आपके सामने, पेपर ही लीक हुआ है, पहले दिन पेपर लीक हुआ है, पेपर पढ़वाया गया है, वो लेके आएंगे, हम लेके आएंगे, मैंने बता दिया हम लेके आएंगे। पर सर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, सर ये छोड़ो, एक प्रश्न सर पूछना चाहूंगा कि एलटी का जो मामला पड़ा हुआ है, अभी एलटी का जो कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला, उसमें कोर्ट ने आयोग को 14 दिन का टाइम दिया था कि आप इस पर जवाब दीजिए, जो प्रश्नों को लेकर उलझा हुआ मामला है, परंतु आज 3-4 माह हो गए उस पर आप कोर्ट, अब आयोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहा कि मामले को जल्दी से सुलझाया जा सके, ये भी सर एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पर बच्चों के, वो काफी हुआ है। एग्जाम लगभग अलग उसका जवाब 1 महीने पहले दे दिया गया है, मुझे नहीं मालूम है किस लिए डिले हुआ है, वो तो मुझे भदौली जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे भदौली ने कहा कि 1 महीने पहले कर दिया, जवाब दे दिया गया, अभी कोर्ट में डेट लगना है उसका, इनफैक्ट 2 बार ऑलरेडी लगा हुआ था डेट, कल गया था, उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है सर आप जल्दी लगाएंगे। पर एक यूपीसीएल पिटकुल का हुआ था सर, उसमें भी जो टॉपर के 2 लड़के हैं करण मेहरा और कुलदीप मेहरा, इनको सर आपने वहां पर मतलब डीबी के लिए बुलाया क्या है सर अभी, और बाकी की डीबी हो चुकी है 3-4 मार्च को, परंतु ये टॉपर जो है जिनके 81.50 नंबर है, एक के तो पिताजी सदमे में आकर मौत हो रखी है, ऐसा मेरे को मतलब वहां से इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन बच्चों को क्यों वहां पर मतलब वो नहीं किया गया। यूपीसीएल पिटकुल का मामला है सर, ये जो 2 बच्चे प्रॉब्लम है, उनके पिता आके आपसे रोए थे, मेरे पास अगर वो तो पहले हो गया था, मेरे पास वो बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं 10-15 दिन पहले, जब मैं मद्रास गया था वापस आया था, तो बच्चे आए थे, उनका नाम तो अभी निकल गया है, आ जाएगा नाम उनका, कोई दिक्कत नहीं है। सर सॉल्यूशन आप निकाल दीजिए, बड़े बड़े परेशान है बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, करनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और इस प्रकार की अफवाह जब सोशल मीडिया पर या कहीं चलती है तो उसकी सच्चाई जानना भी हमारा धर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, और बॉबी पवार जी आपने भी हमें समय दिया। तो आज के लिए इतना ही, आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल, थैंक यू सर।